दोस्तों एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास एक्टिवा 6G है, इसके अंदर क्लच के अंदर से आवाज़ आ रहा है, आप लोगों को आवाज़ दिखाता हूँ। कभी कभी कचकच आवाज़ आ रहा है, कभी कभी आवाज़ आ रहा है कचकच। ये आवाज आ रहा, खोलते देखते क्या तकलीफ है फिर दिखाता आप लोगों को। खोलते फिर देखते हैं। दोस्तों सब मैंने बोल खोल दिया, एक इसके अंदर भी बोल रहा था लेकिन इसके अंदर बोल था नहीं, किसी मैकेनिक भाई ने खोला, यहाँ का भी बोलने लगाया और इधर का भी बोलने लगाया, बाकी यहाँ का सब बोलता और एक सेंटर में बोलता था वो भी था नहीं, इसमें किसी मैकेनिक ने किया होगा। अब खोलते हैं पुली को, पहले देखते हैं। दोस्तों 19 का नट आता है और इसका एक पट्टी बना लेने का, इसको लगा के इजीली खोल देने का। दोस्तों ये जब दबाते हैं ना ऐसा, तो अंदर दबना चाहिए, ऐसा सीधा नहीं आएगा, ऐसा क्रॉस में आता है लेकिन एकदम इजीली दबता है, लेकिन बिल्कुल भी दब नहीं रहा, चू चू आज मर रहा है। ये देखो इसका आवाज है, तो खोलते हैं अपन। तो ये खोलने के बाद से आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है, और ये इसी का आवाज था इसका, इसी का चू 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 आवाज था, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, जबकि ये गाड़ी ऊंचा मॉडल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख रहे हो ये चू 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 आवाज मार रहा है। अभी खोलते हैं इसको, देखते हैं पहला। तो इतना जाम है इसके अंदर, थोड़ा सा मैंने पेट्रोल डाला, इसको हल्का हल्का फटका मारा, तब जाके ऊपर बाहर आया ये, अभी थोड़ा सा बाहर आ गया है। पुल्ली पूरा सूख गया हुआ है और पुल्ली पूरा कट चुका है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ से कटा हुआ है। ये इसके अंदर तीन बैठता है, थोड़ा भी इसमें ग्रीस ब्रीस नहीं था, उसके हिसाब से ये पुल्ली कटा हुआ है और ये जाम हो रहा था इसमें, ठीक रहा है। ये पिन जरा भी प्लेन ही होना चाहिए, ये पुल्ली भी कटा हुआ ही है, लेकिन अभी कस्टमर के ऊपर है डालना है कि नहीं डालना है। ये देखो पूरा लूज हो गया, इसके अंदर पूरा जंग पकड़ लिया हुआ है, अब इसको दोस्तों ये पुल्ली पूरा सूख गया था और सूखने के हिसाब से ये चू चू का आवाज आ रहा था और पुल्ली कटा हुआ है, लेकिन कस्टमर का इतना बजट नहीं है तो अभी फिलहाल पुल्ली नहीं डालेंगे, खाली वो पिन डाल देंगे और ग्रीस करके और फिटिंग कर देंगे, तो आवाज़ अभी के लिए बंद हो जाएगा, थोड़ा पुल्ली कटा हुआ है फिर दिखाता हूँ आपको उसमें ये करके। दोस्तों ये पुल्ली ऐसा सूख गया हुआ था और सूखने के हिसाब से पूरा जंग पकड़ लिया और उसके लिए ऐसा चू 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 का आवाज़ आ रहा था, तो कभी भी अगर ऐसा रहे तो कुछ टाइम के बाद से खोल के और उसको पुल्ली को थोड़ा सा ग्रीस ब्रीस डाल देंगे तो आवाज नहीं आएगा और पुल्ली का लाइफ भी बढ़ जाएगा, जल्दी कटेगा भी नहीं, ठीक है। बाकी ऐसा तो कुछ ज्यादा नहीं था और पुल्ली अभी भी कटा हुआ है। दोस्तों ये पिन आता है इसका, ये पिन इसके अंदर बैठता है और ये पिन में कितना प्ले है आप लोगों को शायद दिखता होगा क्लियर, यानी ये पुल्ली कट चुका है लेकिन तो भी ग्राहक का बजट नहीं है, अभी इसको ग्रीस लगा के लगाएंगे,
ये कितना प्ले मार रहा है, ये प्ले नहीं मारना चाहिए, एकदम साइज में बैठना मांगता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्ले हो गया तो कम से कम ये पिन डाल लेंगे और ग्रीस डाल लेंगे तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा। दोस्तों हल्का सा ग्रीस लगाने का इसके अंदर, ये बाहर का ग्रीस है वो इसे ही बाहर आ जाएगा, मेन ग्रीस इसके अंदर भरने का, ये तीनों पिन के जगह पे भरने का। ये जो हम लोग पुली नया डालते हैं तो पुली के साथ में ग्रीस आता है, ये कंपनी का ग्रीस आता है, ग्रीस भी अच्छा है, ये कंपनी का ही ग्रीस आता है, ये ऐसा पिन आता है, ये इसके अंदर ऐसा रख दिए और इसके ऊपर से इसको अपन फिटिंग कर दिए। सेम उसी स्टेप में तीनों को फिटिंग करना है। तो ये तीनों पिन लगा दिया और इसके अंदर ग्रीस भी भर दिया। अब ये वाटी को इस पोजीशन पर रख के ऐसा कर देंगे, ये जब ये पुली अगर अच्छे से काम करेगा तो ऐसा अपन करेंगे ना एकदम इजी आएगा और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगा, ये ऐसा होना चाहिए, ये सीधा सीधा नहीं आता है, जैसे ऊपर करेंगे थोड़ा सा ऐसा क्रॉस होता है। तब ये हो गया तो कुछ दिन चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कटा था पुली, खाली सूखने के हिसाब से आवाज़ आ रहा था। तब इसको फिटिंग करके जैसा खोला सेम उसी स्टेप में दोस्तों ये ड्रम को उल्टा फिटिंग कर लेने का और फिटिंग करके बिल को खाली घुमाएंगे और ऐसा बिल घुमाते रहेंगे एकदम क्लियर साफ हो जाता है। ये तो जो गाड़ी उठाने का है ना वाइब्रेट करता है तो इसी से वाइब्रेट करता है, ड्रम से और क्लच के लाइनर से, तो दोनों तकलीफ दूर हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसको पॉलिश ओवर से घसा उल्टा करके, एकदम मस्त हो गया। ये चीज़ अगर अपने हाथ से घसेंगे ऐसा तो 10 मिनट में उतना साफ नहीं होगा जितना इसके अंदर डाल के और मैंने 5-10 सेकंड में साफ कर लिया। ठीक है, अब ये लाइनर को भी अपन पॉलिश ओवर मार लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बेल्ट को ऐसे अंदर डालने का, ये बेल्ट भी थोड़ा सा कटा हुआ लेकिन कस्टमर का बजट नहीं है, नहीं तो बेल्ट भी डाल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब ये पुल्ली को बाहर खींचेंगे, पहला बाहर नहीं आ रहा था, बाहर खींचेंगे और इसके सामने होल आ जाएगा, डाल लेंगे ऐसे। ठीक है, वो जब घूमेगा तो बेल्ट टाइट हो जाएगा, अभी लूज रहेगा नहीं। फिर एक बड़ा साइज का वाइसर आता है, ये वाइसर को फिटिंग कर देंगे और ये नट को फिटिंग कर देंगे, जैसा खोला वैसा भी खाली फिटिंग ही करने का। ये हो गया फाइनली टाइट, अब इसको फिटिंग कर डालते हैं। दोस्तों गाड़ी फाइनली मैंने चालू कर लिया और यहाँ पे आवाज़ देखा तो गाड़ी चालू है, आवाज़ नहीं आ रहा अभी, अभी वो आवाज़ नहीं आ रहा है, खाली पुली के अंदर ग्रीस सूख गया था उसके हिसाब से चिक 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 की आवाज़ मार रहा था और पुली हाथ से खुल भी नहीं रहा था। हाथ से कभी खुलेगा जब वो फ्री घूमेगा, तो उसका पुली भी कटा हुआ था और ये पिन सब डाल दिया और थोड़ा ग्रीस डाल दिया, एक पिन डाल दिया और ग्रीस डाल दिया तो थोड़ा सा लाइफ बन गया उसका। ये पिन भी कटा हुआ है, कभी अगर आप लोगों के पास ऐसा रहे तो खोल के थोड़ा सा उसको ग्रीसिंग कर लेने का और ये पिन भी डाल लेंगे तो फिर गाड़ी बराबर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।